हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और चंदन यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थे, कुछ सवाल थे आप सभी के, जिनके जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ बातें हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इस साल अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो 14 मई 2021 यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन का क्या खास महत्व है फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई थी, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पर दिया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ सवाल जवाब हैं जो आप ही के सवाल आए हुए हैं, जो कि मैंने लिए हुए हैं इस वीडियो में, और हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चंदन यात्रा क्यों की जाती है। तो जो मई जून का महीना होता है बहुत ही गर्म होता है, ठाकुर जी को सेवा प्रदान करने के लिए, हम उन्हें ताप से मुक्ति के लिए चंदन का लेप उनके शरीर पर लगाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक की जाती है। अब कई सवाल ऐसे आते हैं कि भी हम कौन सा चंदन जो है वो ठाकुर जी के लेप लगा सकते हैं, तो किस तरह का चंदन आप लगा सकते हैं, कैसे लेप बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल ऐसे आए हैं कि क्या कान्हा जी को हम रोज़ चंदन का लेप लगाएं, तो अगर पॉसिबल है आपके लिए तो अवश्य लगाएं। 21 दिनों की जो ये प्रक्रिया होती है, अगर आप 21 दिनों तक इनके लेप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। संसारिक जीवन में समय के अभाव के कारण अगर आप पूरे शरीर पर लेप नहीं लगा सकते हैं तो आप थोड़ा सा उनके मस्तिष्क पर चंदन का तिलक भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आपके भाव हैं कि आप पूरे शरीर पर चंदन लेप लगाते हैं, कई लोग माथे पर भी लगा देते हैं, तो मस्तिष्क पर भी आप चंदन लेप लगा सकते हैं। लेकिन जो ये सवाल आता है कि 21 दिनों तक क्या हमें रोज इनके लेप लगाना है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ये आपकी भाव आपकी इच्छा है। कई सवाल ऐसे आते हैं कि क्या चंदन लगाने के बाद हम इन्हें पोशाक पहना सकते हैं। तो कई भक्तजन ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को लंगोट वगैरह धारण करा देते हैं चंदन का लेप लगाने के बाद, तो वह भी आप कर सकते हैं। कई भक्तजन उनका श्रृंगार करते हैं चंदन का लेप लगाकर, तो वह भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, श्रृंगार कैसे करना है चंदन लेप लगाकर, जो भी अक्षय तृतीया पर इनका श्रृंगार होगा उसकी वीडियो भी मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक सवाल आया था कि चंदन कैसे हटा सकते हैं। तो जब भी आप ठाकुर जी के शरीर पर चंदन लेप लगा देते हैं तो वह कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उनके शरीर से वो हटा सकते हैं, विस्तार में इसकी वीडियो मैंने लास्ट ईयर अपलोड की हुई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि कई भक्तजन ऐसे हैं जो कॉटन से, रुई से चंदन का जो लेप है, वैसे भी चंदन सूखने पर झड़ जाता है तो वह निकल जाता है, और उसके बाद कॉटन से वह उनके शरीर पर या गीले कपड़े से उनके शरीर पर से चंदन जो है वह साफ़ कर देते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। कई भक्तजन स्नान कराते हैं उनके, तो ये आप पर निर्भर है। और कई भक्तजन चंदन का लेप करने के बाद जब रात में उन्हें शयन कराते हैं तो इत्र सेवा भी देते हैं, तो इत्र सेवा भी आप उन्हें दे सकते हैं। ये सारी वीडियोस फ्रेंड्स मैं फिर से अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। अब जब भी मैं ठाकुर जी के चंदन श्रृंगार करूँगी तो वो मैं आप सभी के साथ अक्षय तृतीया के पर्व से 21 दिनों तक जो भी श्रृंगार होगा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इत्र सेवा या जो भी सेवाएं मैं दे रही हूँ, कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो भी अपलोड करके आप सभी के साथ शेयर करूँ। कई लोग पूछते हैं फ्रेंड्स कि चंदन हमें कब लगाना है, सुबह के समय लगाएँ या रात में लगाएँ। तो
जो चंदन है ठाकुर जी के, हम जो लेप लगाते हैं वह इसलिए लगाते हैं ताकि जो इतनी भीषण गर्मी में जो ताप है उससे उन्हें मुक्ति मिल सके, उन्हें थोड़ा शीतलता प्रदान हो। तो ये जो गर्मियों की तपिश है वो ज़्यादातर आप देखेंगे सुबह से लेके शाम तक के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह के टाइम ही आप अपने स्नान के बाद चंदन लगा सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं। कौन सा चंदन लगाना है, कैसे लेप बनाना है, तो फ्रेंड्स आप कोई भी चंदन जो है, जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सूखा पाउडर आता है चंदन का, गीला चंदन भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, गोपी चंदन होता है, सफ़ेद चंदन होता है, चकले पर जो चंदन हम घिसकर लगाते हैं ठाकुर जी के, वह भी आप लगा सकते हैं। चंदन का लेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो कपूर, केसर, ये सारी चीज़ें आदि मिक्स करके आप चंदन का जो लेप है वह ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। बात कर लेते हैं अब कि चंदन कैसे हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स जब भी आप चंदन का लेप बनाते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो चंदन का लेप है वो बहुत गाढ़ा ना हो, पतला पेस्ट ही हमें बनाना है। अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट आप ठाकुर जी के शरीर पर लगाएंगे तो सूखने के बाद वह स्किन पर काफ़ी खिंचाव करता है। अगर हम स्वयं भी कभी कभार आप घर पर भी देखते हैं कि अगर हम खुद के फेस पर, स्किन पर बेसन हो या किसी भी चीज़ का लेप लगाते हैं तो वो ड्राई होने के बाद अगर आपने बहुत गाढ़ा लेप लगाया है तो वो पूरी स्किन पर खिंचावट देता है। तो इनके जो लेप आप बनाते हैं चंदन का लेप, जो भी पेस्ट आप बना रहे हैं वो पतला ही बनाएं, आसानी से लग जाता है। आप किसी भी चाहें तो आप पतले जो पेंट ब्रश आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो ईयरबड्स होते हैं, टूथपिक होती है उस पर भी कॉटन लगाकर उससे भी आप इनके लेप जो है वो लगा सकते हैं। कई भक्तजनों के पास चंदन स्टिक्स वगैरह जो हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, तो उससे भी आप लेप जो है वो इनका कर सकते हैं। चंदन लेप करने के बाद हमें क्या इन्हें जो पोशाक है वो पहनानी है, कैसा इनका श्रृंगार करना है, तो ये आप पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। चंदन का लेप जब आप कर देते हैं उसे अच्छे से आप नेचुरली जो है वो ड्राई होने दें, और जैसे ही अच्छे से चंदन जो जब सूख जाता है तो फिर आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार जो है चाहे वो आप आभूषण से करें, विभिन्न रंगों में जो बिंदियां हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो उनसे भी आप इनका श्रृंगार कर सकते हैं, फूलों से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि कैसा श्रृंगार आप करना चाहते हैं। जो चंदन का लेप बनाते हैं आप उसमें कई भक्तजन गंगा जल का प्रयोग करते हैं, कपूर, केसर, जैसे कि मैंने बताया उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गंगा जल नहीं अवेलेबल है तो गुलाब जल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से आप बना सकते हैं चंदन का लेप और ठाकुर जी के आप लगा सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि चंदन बचने पर हम क्या करें, अगर आपने जो चंदन है ठाकुर जी के लिए जो लेप तैयार किया है वो बच जाता है तो उसका क्या करें। तो घर के सभी सदस्य जो हैं वो तिलक रूप में ये चंदन जो है वो लगा सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया था कि चंदन लेप का जो पानी होता है जब हम ठाकुर जी के स्नान करा देते हैं तो उस पानी का हम क्या करें। तो यह एक चरणामृत की तरह होता है। अगर आपने कोई ऐसा चंदन यूज़ किया है जो केमिकल्स फ्री है, तो नॉर्मल चंदन आपने यूज़ किया है तो वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी पौधे में भी ये डाल सकते हैं। तो यही कुछ सवाल थे जो काफ़ी समय से लास्ट ईयर की वीडियो में भी आए हुए थे। मैं चाहती थी कि एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूं। तो यही था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ सजेशंस अगर आप वीडियोस के देना चाहते हैं अक्षय तृतीया से रिलेटेड, चंदन यात्रा से रिलेटेड, या चंदन यात्रा का श्रृंगार जो है वह आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कैसी लगी फ्रेंड्स ये वीडियो ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री कृष्णा।